विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा के नेतृत्व में रविवार को गोलघर स्थित काली मंदिर पर विश्वव्यापी महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उसके रोकथाम के लिए शिव महामृत्युंजय जाप और हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस संबंध में विश्व हिंदू महासंघ जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम और अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के निर्माण को लेकर हम लोगों द्वारा शिव महामृत्युंजय जाप और हवन यज्ञ किया जा रहा है, जो राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने तक चलता रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू महासंघ जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने कहा, राधाकांत वर्मा जिला प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ। आज हम लोग कोरोना महामारी जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है उसको लेकर के और राम जन्मभूमि जो शिलान्यास होना उस दोनों को लेकर के यहाँ पर हवन यज्ञ और महामृत्युंजय मंत्र का जाप हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, जो आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ है और यह अनवरत 5 तारीख तक चलता रहेगा। हम विश्व हिंदू महासंघ के तरफ से यह महामारी को रोकने के लिए जो भी धार्मिक अनुष्ठान के रूप में हम यहाँ पर कर रहे हैं वह देवलों से हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, महाराज शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम लोग कर रहे हैं और यह महामृत्युंजय जाप के द्वारा ही यह कोरोना समाप्त होगा और इससे ही आने वाले समय में भगवान राम के मंदिर का भी निर्माण होगा। ये हवन यज्ञ का भगवान देव का ये प्रसाद है और इसे देवता प्रसन्न होते हैं, ये हमारा मानना है। विश्व हिंदू महासंघ अनवरत धार्मिक कार्यों में लिप्त रहता है, इसलिए वह कार्यकर्ता चला आ रहा है। यज्ञ के माध्यम से कोरोना एक काल जिसे कहते हैं, भगवान काल हैं और अदृश्य हैं और कोरोना भी अदृश्य है, हम दोनों को उसी रूप में ले करके चल रहे हैं और ये मैं मान रहा हूँ हम कि ये हवन से रोग जितने भी रोग हैं जितने भी ये बलाएँ हैं ये सारे समाप्त होंगे और कोरोना भी समाप्त होगा। आज देखिए आज सावन का अंतिम जो है आपका रविवार भी है, इसके बाद पढ़ना नहीं है और मैं चाहता हूँ कि सावन को समाप्त होते ही कोरोना भी समाप्त हो जाएगा और राम मंदिर का निर्माण भी इसी में है और वह भगवान राम की कृपा से ही कोरोना समाप्त होगा और भगवान राम का जो है असीम कृपा से उनका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा होगी और इसके साथ ही हम यहाँ पर हवन यज्ञ कार्यक्रम हम करते रहेंगे।